हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज रविवार भी है, आज सूर्य ग्रहण भी है। अलग अलग जगहों पे आपको ग्रहण दिखाई भी देगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो सूर्य ग्रहण का कई लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी ये कैसे होता है, क्या होता है। जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो पूरे इस सूर्य के पूरे जो ट्रैक्स हैं, 9 ट्रैक्स ऑफ, मतलब ट्रैक होता है ना, रेलवे का ट्रैक होता है, वैसे सूर्य का अपना ट्रैक होता है। तो उस ट्रैक को हम समझेंगे, उस ट्रैक के बीच में कहाँ क्या आता है और कैसे ग्रहण होता है, कैसे सारी तिथियाँ होती हैं, इसका हम सब विवरण करेंगे। तो ये तब का तब होगा। और आज आप सब कम से कम 10 से लेकर 1:30 बजे तक कुछ खाएं पिए नहीं, क्योंकि ग्रहण के समय जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा दूषित माना जाता है। तो इस समय कीर्तन ज़्यादा किया जाता है या भागवत श्रवण ज़्यादा किया जाता है। तो हम लोग श्रवण तो कर ही रहे हैं, कीर्तन अंत में कर देंगे, फिर आप सब 1:30 बजे तक भागवतम या इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए उपयोगकारी होगा और अपने घर को साफ कर सकते हैं 1:30 बजे के बाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम 13वां अध्याय में कम से कम ये श्लोक तो कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा आप सबको, सतेंद्र जी, आनंद प्रभु, पवन प्रभु, हरे कृष्णा, राघव पांडे जी, केलकर परिवार, हरे कृष्णा। दूसरा वाला आइडिया भी कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हरे कृष्णा, कुछ इशू है सेकंड आईडी में मेरे, हो गया तो ठीक है, आ गया, थैंक यू, हरे कृष्णा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो हम सब 13वें अध्याय में है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 13वें अध्याय में पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 प्रश्नों का जवाब अर्जुन ने मांगा कि प्रभु ये हैं क्या। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक डेफिनेशन होता है, हम लोग किसी इसको कोनोटेशन बोलते हैं, यानी एक ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन मूल में उस शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे मैंने आपको सत्य शब्द का अर्थ बता दिया, तो सत्य शब्द का अर्थ है सत और त्यत, उन दोनों को मिला के भगवान के विस्तारों को सत्य कहा गया है। तो वैसे ही हर चीज़ का डेफिनेशन है। संस्कृत इज़ वेरी वेरी डीप एंड वेरी वेरी परफेक्ट। ठीक है, राघव पांडे जी ने अब सूर्य ग्रहण का जो बताना था मैंने शुरुआत में बता दिया, प्लीज़ कमेंट में ये सब मत पूछिए। आइए हम सब हमारे 13 चैप्टर को कंटिन्यू रखें, ग्रहण आएगा जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये वाक्य, ये जो डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशंस को समझने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, और इधर अर्जुन भी जो है इस डेफिनेशन को मांग रहे हैं भगवान से। और भगवान ने आप प्रकृति के बारे, सॉरी क्षेत्र के बारे में बता दिया और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और अब वो बताने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं ज्ञान क्या है। तो क्षेत्र यानी ये शरीर और ये सारे धातु, ये सारे एलिमेंट्स, और इनको कंट्रोल करने वाला डिज़ायर, हेट्रेड, लव, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सब है। और क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को टेम्पररीली कंट्रोल करने वाला जो क्षेत्रज्ञ नॉलेजबल व्यक्ति है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, आत्मा और परमात्मा। अब उसके आगे भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं। जब हम ये अभी जो वर्सेस पढ़ रहे हैं उसमें हमने 2 सेशन भी ले लिए कि क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसे क्या जानना चाहिए। तो मैंने इसको टॉर्च की उपमा दी, जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो टॉर्च से हम वो देखते हैं और टॉर्च से हमें आइटम्स दिखाई देते हैं। तो ये ज्ञान जो है, ये अंधेरे, ये भवसागर जो है पूरा अंधकारमय है, इस अंधकारमय में आप जो हैं वो टॉर्च लगा के आप देखते हैं, तो इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, तो उसके हमने कुछ कुछ वर्सेस देखे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ये 4 वर्ड्स हमने देखे। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मेरा जो दूसरा कनेक्शन है उसको मैं थोड़ा वाईफाई में लगा देता हूँ कि ये जियो पकड़ नहीं रहा है। तो हरे कृष्णा, ए किशोर को बुलाओ, किशोर उसको बुलाओ, दोनों मोबाइल लेके बुलाओ, माफ़ करिएगा, थोड़ा सेकेंड वाले मोबाइल में कुछ टावर में इशू आ रहा है, तो मैं इसको वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आएगा, अभी बीच में नहीं हो, उसका आदत है। हरे कृष्णा, फिर भी हम लोग चालू रखते हैं जब तक, जो लोग ऑडियंस है माफ़ करिएगा, ये सब पता नहीं ग्रहण लग रहा है, ग्रहण। हरे कृष्णा, तो इस श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। 13वां अध्याय का 8वां श्लोक है ये। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह। वो कह रहे हैं कि अमानित्वम यानी ज्ञान क्या है, जिसको ज्ञान है वो अमानित्वम रहेगा, वो दूसरों को मान देगा,
खुद बहुत मान लेने की इच्छा ही नहीं रखेगा अपने आप को, वो सबसे कम समझता है। ये शुद्ध भक्त का भी एक गुण है कि उसका वो हमेशा सोचता है कि सब मुझसे अच्छे हैं, सब भगवान के सेवक हैं। ये भाव अमानित्वम है और इसका मैंने चर्चा पहले किया है। अदम्भित्वम, वो दम्भ नहीं करता, ढोंग नहीं करता, जो वो है सो है, जो वो नहीं है तो वो नहीं है, इसको कहते हैं अदम्भित्वम। और तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का व्याख्या हमने कल किया। अहिंसा का मतलब होता है जो हिंसा नहीं करता। यानी कौन सी हिंसा? तो मैंने आपको शारीरिक हिंसा बताई जो जेनरिक लोगों में पता है। मानसिक हिंसा यानी किसी के मानसिक चीज़ को ट्रबल करना, ये अच्छा नहीं है। कभी कभी हम देखो चिढ़ाते हैं किसी को तो उसको गुस्सा आता है, तो ये भी एक मानसिक हिंसा है, समझ रहे? किसी के पति को अपशब्द बोलना, किसी स्त्री को अपशब्द बोलना, किसी दुर्बल व्यक्ति को अपशब्द बोलना, तो या कभी कभी होता है कॉरपोरेट में जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, हिंसा करते हैं, मानसिक रूप से कुछ टॉन्ट मारते हैं, मराठी में उसको टेर खींचना बोलते हैं, टेर खींचू यार, है ना उसका उसको ऐसा कुछ इज्जत निकाल देते हैं जिसका उसका इज्जत कम हो, तो ये मानसिक अपराध होता है, हिंसा होता है। बौद्धिक हिंसा होता है कि जब आपको बहुत विद्या है तो बौद्धिक रूप से आप हिंसा कर सकते हैं। या दूसरे वाला टावर थोड़ा लाओ बरा। तो बौद्धिक रूप से आप किसी के इंटेलिजेंस को उसके स्थिरता को आप तोड़ के अस्थिर कर रहे हैं तो वो हिंसा है। उसकी बुद्धि को आप और इनपुट दे के अच्छा कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, वो आपने दिया। लेकिन जब आप उसकी स्थिरता को तोड़ के नीचे लाते तो कभी कभी किसी का फेथ तोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अस्थिर हो जाएगा, वो और पाप करेगा। हरे कृष्णा। राम जतन प्रभु ऑनलाइन आए, हरे कृष्णा प्रभु जी, पुराने फ्रेंड हैं, पुराने डिवोटी हैं। तो ये जो फेथ है ये डिस्ट्रॉय करना, अहंकार, अहंकार के हिंसा करना, अहंकार पे हिंसा करना, उस व्यक्ति के जो आइडेंटिफिकेशंस हैं उसको तोड़ के और नीचे लाना, इसको कहते हैं उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाना, इसको कहते हैं अहंकार को, अहंकारी हिंसा। और उसके ज़्यादा होता है आत्मा का हिंसा, जो मैंने आपको कल ईशोपनिषद से बताया कि आत्महा, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है और इस तमोगुणी संसार में अपने अस्तित्व को रखता है तो आत्मा को हनन कर रहा है। तो एक सेकंड दीजिएगा, ये जो सेकंड मोबाइल है उसको हम लोग, हाँ, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कनेक्टेड हो गया या कनेक्ट डाला तो ये डेटा ऑफ नहीं करना। हरे कृष्णा। क्या होता है जब दो हैंडसेट्स हैं किसी में टावर नहीं आता तो ऑडियंस जो है वो ठीक है। अभी जो है हमारा कनेक्शन स्टेबल है। चला पाई तर इतना टेबल क्यों नहीं चला मुझे। हरे कृष्णा। तो अहिंसा ये हमने अध्ययन किया, माफ़ करिएगा थोड़ा खेद के लिए। वो पहले टेलीविज़न में आता था ना, मुंगी आता था, मुंगी तो हमारा भी वही हाल है। तो उन्होंने कहा अहिंसा, शांति ही, शांति यानी जो व्यक्ति सहन करे उसको शांति, उस गुण को शांति कहा गया है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम ये सब जो आजकल आप देखिएगा, बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो बड़े अस्थिर रहते हैं, बड़े ही अशांत रहते हैं, उसका कारण क्या है? कि वो हर बार स्टेबिलिटी ही चाहते हैं, वो टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है, बहुत ही सहिष्णुता कम हो चुकी है, सब में कम हो चुकी है। और इसी असहिष्णुता के कारण आज जो युद्ध का सिचुएशन है, कोरोना का सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, उसी का परिणाम है। घर में लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के राइटर हैं, तो ये हमने हमारे सीनियर से सुना, वो बुक का मेरे को लगता है स्टीफन कोवे ने लिखा है या किसी ने तो लिखा है, बट अभी वो मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं है, पर उन्होंने जो कहा मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो आसपास में 8 सब लीडर्स हैं, यानी आपके आसपास जो काम करते हैं, आपके गुणों को समझते हैं और आपसे मार्गदर्शन लेके काम करते हैं, उन आठ लोगों को आपको मार्ग निकाल के उनके नेचर के साथ अमेलगमेट करना पड़ेगा, आपको उनकी चीज़ों को समझते तो सेट करना पड़ेगा, उनसे लड़ के उनको तोड़ के फेंक दीजिएगा तो आप ये 8 को अगर टॉलरेट नहीं कर पाए तो 800,000 को भी आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन नॉट डू अ मैसिव थिंग। और इसके लिए मैंने स्टडी किया, शिवाजी महाराज को स्टडी किया, बाला साहब ठाकरे को स्टडी किया, मैंने बड़े बड़े लीडर्स को स्टडी कर रहा हूँ,
तो अभी मोदी जी को भी स्टडी कर रहा हूँ, आप देखिएगा इन लीडर्स में भी जो अभी आपको दिख रहे हैं, इन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो हो चुके हैं इतिहास में, उनको तो हम इतना जैसे चाणक्य को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो लीडर्स हैं इनको भी टॉलरेट किया, दूर दूर तक सोचा कहाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको चाणक्य की स्टोरी, हाँ ये मनमोहन जी कह रहे हैं 7 Habits of Highly Effective People स्टीफन कोवे इन्होंने लिखा है, तो मैंने तो लेक्चर में सुना था, तो भले ही नॉन डिवोटी है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताया जो मैं आज भी इंप्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में। तो ये चाणक्य ने भी किया था। चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त को अब उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे जो उनको कभी नहीं बताया। वो इसलिए मिला के देते थे क्योंकि आगे जाके कोई विषकन्या उनको मार ना दे, इसके वजह से उन्होंने उनको खाने में दिया लेकिन उनको कभी बताया नहीं। और उनको एक ऑर्डर दिया था कि जीवन में कभी भी अपने खाने का एक दाना किसी पंछी, किसी कुत्ते को, किसी मनुष्य को, किसी रिश्तेदार को, किसी को मत खिलाना। और उनका जो मट्टी का प्लेट होता था उसको खोद के अंदर में डाल के उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था ताकि उसको कोई खाए ना। और उन्हें ऑर्डर दिया था चाणक्य ने, गलती से भी ये किसी को मत खिलाना, ये मेरा ऑर्डर है। चाणक्य ने फॉलो किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने फॉलो किया, लेकिन कभी 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 चंद्रगुप्त जो था वो इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस दिखाता था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था चाणक्य के लिए, उतना फ्रीडम उन्होंने दिया था। तो एक बार क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त की पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो गई और बिंबिसार जो है उनका बेटा वो पेट में था और 9 महीने की थी, तो वो बोलती थी हमेशा कि आप तो मेरे पति हैं, आप विष्णु समान हैं, आप अपने खाने का एक कण मुझे दे दीजिए, एक झूठा दाना हम पेट में बच्चे को जाएगा, ये महाप्रसाद की तरह होगा। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि नहीं, गुरु का आदेश नहीं है, मैं दूंगा तो गुरु अपराध हो जाएगा। बोले लेकिन मैं तो अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपके अंदर ही हूँ, तो आपने खाया मैंने खाया, वो फिलॉसफी मार के। तो चंद्रगुप्त थोड़ा मोहित हो गया और उसने थोड़ा सा खाना उसको दे दिया, ये माताजी ने खाया और वहीं स्वाहा, गुरु आदेश का अवज्ञा हुआ और यहाँ पे उसका मृत्यु हो गया। चंद्रगुप्त को पता चला, चाणक्य को पता चला, वो भागते हुए आए, उन्होंने वो बच्चे को बचा लिया। और चाणक्य की दूरदृष्टि देखिए कि कभी भी हमें ना थोड़े से प्रॉब्लम में इमीजिएटली तड़पड़ाते हैं, भाग जाते हैं, हम दूरदृष्टि नहीं रखते, इसलिए दिक्कत है। हम अलग अलग नेचर्स के लोगों से डील नहीं कर पाते, हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ शांति आर्जवम, शांति यानी क्या, आप टॉलरेंस करिए। मैंने हजार बार बोला है, मैंने सूर्य ग्रहण का बात स्टार्टिंग में बोल दिया, ये टिपिंग करके मेरे को सूर्य ग्रहण मत पूछिए, जो बोलना था मैंने बोल दिया, कमेंट में लिखना अलाउड है तो कुछ भी मत लिखिए। ठीक है, ऑलरेडी व्हाट्सएप पे इस्कॉन के प्रॉपर जो लॉज हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी वो पोस्ट सबको जा रहा है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने देखा है, तो कृपया करके उसको फॉलो करिए, वो गाइडलाइन सब सही है। तो चाणक्य ने क्या किया कि चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त जो है उसने मोह में किया है, तो चंद्रगुप्त को डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसको समझ में हमने क्या गलती कर दिया, उसे पता ही नहीं था कि मेरे खाने में विष, लेकिन मैंने बोला, तो फिर एनीवेज वो हट गया। लेकिन चाणक्य की दूरदृष्टि देखिए, बहुत सालों बाद जब चंद्रगुप्त छोड़ के चले गए और बिंबिसार जो राजा बन गया, तो चाणक्य जो थे एक कुटीर में रहते थे, वो मन आश्रय उधर भी नहीं रहते थे राजा के दरबार में, और उनके कुटीर को केवल 8 बैम्बूज थे और वो था उनके दरवाजे में, कोई भी कहीं से भी आ सकता था, मिल सकता था, बात कर सकता था, इतने परफेक्ट थे। और एक चाइनीज़ आदमी आया था उनको मिलने, तो उससे बात करते वक्त उन्होंने एक बड़ा दिया बुझा के छोटा दिया लगा के उससे बात किया, तो बोले अरे आपने क्यों बंद किया, बोले ये राज दरबार का है, तो जब मैं राजपाठ का काम करता हूँ तो ये रखता हूँ, और जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं ये छोटा डिबिया जो भिक्षा मांग के लाता हूँ मैं, जिसमें तेल मांग भीख मांग के लाता हूँ, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे आदर्श व्यक्ति थे, तो आज भी वो चाइनीज़ आप इतिहासकार अपना बुक में लिखते हैं। तो इधर चाणक्य को देखिए, चाणक्य कितने दूरदृष्टि के थे। तो बिंबिसार के कुछ दोस्त थे, कुछ ब्राह्मण दोस्त थे, वो चाहते थे कि चाणक्य जो है वो ताकत हटे और हम लोग जो हैं इस पावर को ग्रैस्प करें, मंत्री पद को। तो उन्होंने बिंबिसार को बोला, बिंबिसार तुम जानते हो माँ का हत्या किसने किया? बोले किसने क्या मेरी माँ की हत्या, किसने जहर खिलाया? तो बोले वो जो कूटनीतिज्ञ है उसने खिलाया। तो उसने बोला ये कूटनीतिज्ञ जो है चाणक्य, इसने आपको तुम्हारे माँ को खिलाया। तो बोला अच्छा, तुम्हारी माँ को उसने खिलाया? तो बोले ऐसा करो, उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये बिंबिसार जो है एकदम जोश में आ गया, उसने बोला हाँ मैं सबकी हत्या कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला, वो सभी जो सोल्जर्स हैं उनको बोला जाओ
चाणक्य को बंदी बना के लाओ मेरी माँ के हत्या के आरोप में। जिस साम्राज्य को चाणक्य ने बनाया, उसके पिता को इसने एक शेपर्ड से लेकर राजा बनाया, उसका बेटा आज उसी मंत्री को मारने के लिए आदेश दे रहा है। नहीं, चाणक्य की दूरदृष्टि देखिए, वो पहले से जानते थे कि ये गलती आज नहीं कल करेगा। उन्होंने जो ही ऐसे आदेश दिया तो 6 लोगों ने तलवार रख दिया यहाँ पे, सीधा यहाँ पे जो है चंद बिंबिसार के यहाँ तलवार रख दिया। अजून ते पुअर कनेक्शन दाखवते काय आहे वाटतं प्रॉब्लेम, ठीक है ते जिओचा प्रॉब्लेम है का? तो एनीवेज वो दूसरे आईडी में थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाच लावलं तू? नाही, एक काम कर, ह्याला सोडून दे, ह्याच्यावरच सोडून दे, असं होत असेल तर मग तो इकडे दे मोबाईल, असं लाव बरं, म्हणजे असं इथं जवळ घेतल्यावर काय होते का? आता काय करायचं, मध्येच डिस्कनेक्ट होईल नाही तर हे ए हरे कृष्णा कनेक्टेड बी विजी लावते, हां ठीक आहे, हां ठीक आहे, ते लागलं आता होईल ना। हरे कृष्णा, येऊ दे, आपोआप रिकनेक्ट होते, फिनिश झालं म्हणजे परत मला टाईप करायला लागणार। हरे कृष्णा तो एक मिनट दिवस, हाँ आ गया। हरे कृष्णा, एक साथ 30 व्यूअर्स उड़ गए, अब वापिस आएंगे। हरे कृष्णा, तो एनीवेज तो बिंदुसार जो थे, इन्होंने क्या किया, वो आदेश दिया, तो जो ही उन्होंने आदेश दिया 6 तलवार बिंदुसार के गले पे आ गए, और जो ही उनके गले पे आ गए तो बोले क्या है, क्या गुस्ताखी है ये? तो बोले 25 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था, बोले तभी चाणक्य ने हमें नियुक्त कर दिया था तुम्हारे दरबार में, कि जिस दिन ये आदेश देगा इसके गले पे तलवार रखना और मुझे बुला लेना। तो तब चाणक्य आते हैं, बोलते मूर्ख, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा है, मेरे आदेश का पालन नहीं किया था, मैंने बोला था खाना नहीं खिलाने के लिए। तो बिंदुसार को समझता है कि मैं जिस मंत्री के नीचे रह रहा हूँ ये बहुत दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है। ठीक है, पता नहीं मोबाइल में क्या हो रहा है, सारे कनेक्ट कर रहे तो भी हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस ही है, छोड़िए। तो जो लोग दास का दादर आईडी में है तो कृपया करके आप चाहे तो ये दिलीप मिश्रा वाले आईडी में आ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, मेरे क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है, मूड को भी डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्णा, ऐसा करता हूँ, ये डेटा कनेक्ट करता हूँ मैं, वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, डेटा से जो आएगा आएगा। हरे कृष्णा, वेलकम टू डेटा लाइन। हरे कृष्णा, माफ़ करिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उधर, ऐक ऐक सोड सोड, आता नको जास्त मोबाईल, ते जर तसंच असेल तर मी त्या डेटाने लावलेलं आहे, ते जसं आहे तसं होऊ देऊ, परत परत डिस्टर्ब होते बोलताना, नाही गेलं तर गेलं ते, व्ह्युअर्स कमी झाले तर काही फरक पडत नाही, नंतर शेअर करीन मी। हरे कृष्णा, माफ करिया। तो तो यहाँ पे दूरदृष्टि हो तो आपको टॉलरेंस अपने आप आ जाएगा। ये तो मैनेजमेंट की दूरदृष्टि है, अगर आपको इस संसार की दूरदृष्टि हो जाए कि एक दिन तो महाविष्णु सांस अंदर ले लेंगे और ये सारी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगा, मेरा भी अस्तित्व खत्म होगा, तो आप अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं शांति। अब उसके आगे क्या लिखे देखा है, कहा है आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता, तो इसका डेफिनेशन प्रपद बोलते हैं, सरलता का अर्थ है, आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। क्या लेवल बताया है कि अगर कोई इतने लेवल, बहुत हाई लेवल ऑफ डिवोशन है ये, बहुत ऊपर का ये स्तर है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको इस संसार में किसी भी चीज से मोह नहीं है। तो जनरली गृहस्थों को ये फॉलो करने में बड़ा दिक्कत है, इसलिए गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है, क्योंकि आप उपनिषद को अगर पढ़ेंगे तो उपनिषदों को पढ़ने के बाद जो लेवल बताया गया है उस लेवल को फॉलो करने में, उपनिषद में कहा गया है कि आप किसी से भेदभाव कर ही नहीं सकते, सब भगवान के अंश हैं, तो आप जी ही नहीं सकते, तो इसलिए वो आप गृहस्थ होते हुए तो भेदभाव करना पड़ेगा, जो खाना लाए तो अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए उस समय आपको घर का त्याग करना पड़ेगा।
आप अपने पत्नी को अगर माताजी बोलने लगेंगे तो फिर आप जी ही नहीं सकते। तो वो स्थिति जब आपकी आ जाएगी तब आप सन्यासी हैं, तो आपको घर का त्याग कर देना चाहिए, आपको किसी साधु के आश्रम में जाके अपना जीवन समर्पण करते हुए अपने मुक्ति का मार्ग खोज लेना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आर्जवम, सरलता। व्यक्ति को बहुत सरल होना चाहिए, इतना सरल यहाँ पे लिखा है कि अपने शत्रु तक को बता देना चाहिए। लेकिन गृहस्थ अगर कोई है, कोई अगर अभी भी उस स्टेज पे नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे तब जो मैंने एक लेक्चर दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफी, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और आत्मशास्त्र, तो ये जो वाक्य है वो आत्मशास्त्र का है। एक आत्मशास्त्री व्यक्ति इसको पालन कर सकता है। जो धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र का पालन कर रहा है वो कभी कभी कुछ टेढ़े रास्ते ले सकता है। चाणक्य कहते हैं नीतिशास्त्र में कि व्यक्ति अगर सरल, कोई सरल पेड़ है तो उसे एक शॉट में काट दिया जाता है, और कोई टेढ़ा पेड़ है तो उसको कहाँ से काटना है, कहाँ रखना है समझ में नहीं आता, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोहड़ा का वो जो डंटी होता है, एक से दस निकलते हैं, दस से और दस निकलते हैं, उसका जड़ ही पता नहीं चलता, तो इसको कहते हैं। तो ये नीति में कभी कभी टेढ़ा मार्ग लगाना पड़ता है, लेकिन आत्मशास्त्र में जब आप आत्मविद्या की बात करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की मार्ग में चल रहे हैं, जब इस 13वें अध्याय का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर आपसे ये अपेक्षित है। फिर वो कहते हैं आचार्योपासनम शौचम। तो आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में वो गया, वापिस आएगा जाएगा टावर टू। आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। तो आप प्रामाणिक गुरु की अगर बात करते हैं, प्रामाणिक गुरु को अगर आप शरणागत लेना रहना चाहते हैं, तो आपको आचार्य उपासनम करना पड़ेगा, यानी आपको प्रामाणिक गुरु के शरणों में जाके ही वो प्राप्त होगा। कई बार लोग जो हैं वो अपने बुद्धि से, इसको बोलते हैं आर्म चेयर स्पेकुलेशन, यानी वो अपने जगह में बैठे रहते हैं और आर्म चेयर स्पेकुलेशन करेंगे और बोलेंगे हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, लेकिन वो खुद अपने जीवन में नहीं उतारते। आचार्य वो होते हैं जो केवल बोलते नहीं, समझते नहीं, केवल उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए आचार्य का जीवन तपोमय होता है। हमने आपको बोला ना कि एक कोश से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से ज्ञानमय, ज्ञानमय से विज्ञानमय, और वो सॉरी विज्ञान ज्ञानमय, ज्ञान विज्ञानमय से आपको है उस अनुभूतियों को साक्षात्कार रूप में अनुभव करना है, तो आपको तप करना पड़ेगा। ये तैतरे तो तप करेंगे तब आप उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आचार्य मार्ग में आप जब तक किसी को आदर्श रूप से नहीं देखते हैं तब तक आप नहीं सकते। तो यहां पे वो कह रहे आचार्य उपासनम। फिर वो कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक, अच्छा आचार्य के पास जाना भी कैसा है, विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाएं और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करें। दूसरा आईडी जो ऑलमोस्ट डेड होने के चक्कर में है, चलिए जब तक चल रहा है तो चल रहा है, समस्त सेवाएं अर्पित करें जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, है ना, जिससे वह शिष्य को जो है अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि अगर आप समर्पण नहीं करेंगे इसमें, आप अगर आपके मन में, रूपक मोहंती कह रहे हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा करिए आप मुझे, वैसे तो एक बुक है मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, ढूंढ के मैं वो पीडीएफ रखता हूँ, ठीक है, मैंने दिया था कुछ लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, वो आपको बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, मेरे को कल का दिन दीजिए, मैं आपको रेफरेंस ढूंढ के बता दूंगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब ये आचार्य उपासनम बहुत आसान है, लेकिन शरणागति बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आप गुरु के पास तो जा सकते हैं, प्रभु जी ज्ञान दीजिए ज्ञान दीजिए, लेकिन ज्ञान लेके अल्टीरियर मोटिव रखिएगा तो वो परिणाम नहीं मिलेगा, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अल्टीरियर मोटिव बिना रखे हुए आपको ये काम करना है,
जैसे एक शिष्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के, श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी के, जो आप ऐसे वैष्णव देखते जो ऐसा तिलक लगाते बीच में लाल होता है, वो श्री वैष्णव कहलाते हैं, माता लक्ष्मी की परंपरा से आने वाले वैष्णव गण हैं। उनके जो अभी जो प्रमुख आचार्य हैं वो श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था दाशरथी। समर्पण, देखिए समर्पण क्या होता है। समर्पण जब तक ना हो आप गुरु का दिल जीत ही नहीं सकते। वो जो कृपा, टोटल कृपा आपको आएगी नहीं। आप कितना भी बोल दीजिए प्रभु जी प्लीज ब्लेस अस, हम पे हमको आशीर्वाद दीजिए, वो कितना भी बोलेगा उसे कुछ नहीं होने वाला। ब्लेस भी कर देगा तो नहीं जाएगा। ब्लेस करने वाला अल्टीमेटली तो परमात्मा होते हैं। गुरु आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको कृपा जो प्राप्त करनी है उसका प्रोसीजर कुछ और है। तो दाशरथी जो थे, तो दाशरथी ने क्या कहते हैं उसको, ये वापस गया है, ये आज आ रहा है जा रहा है, इसको ग्रहण लग गया। अगर आपको चाहे तो मैं कैमरे से दिखा सकता हूँ, दूसरे मोबाइल को ग्रहण ही लग गया, काला हो जाता है फिर आ जाता है। तो दाशरथी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, वेरी पावरफुल स्कॉलर। उनका मतलब उनके जो तात्पर्य देते थे वो एक एक श्लोक के इतने पावरफुल थे, तो लोग बोलते थे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के बाद अगर कोई तात्पर्यों को समझता है तो केवल दाशरथी है। तो दाशरथी जो थे ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, ये एक चीज़ समझ लीजिए आप। और इन्होंने एक बार रामानुज को पूछा कि हे आचार्य, ये जो हम कहते हैं क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि माँ सुचः, कि मैं जो है मैं भगवान कह रहे हैं कि आप पूरा शरणागत हो जाओ बाकी मैं देख लूँगा, इस श्लोक का क्या अर्थ है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं उनके, ठीक है यहाँ भी इंटरप्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से भी ले लीजिए, अभी ग्रहण का शायद इंटरप्शन और ग्रहण का कोई कनेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि दाशरथी को कहा कि आप आराम से रहिए, एक वक्त आएगा मैं आपका टेस्ट ले लूँगा इस श्लोक पे। तो बोले ठीक है। और उनके एक शिष्या थी रामानुजाचार्य की, उनका नाम था उनके गुरु थे महापूर्ण रामानुजाचार्य के, उनकी वो अतुलाई वो कहते थे, वो उनकी वो थी मतलब महापूर्ण की बेटी और रामानुजाचार्य की तथाकथित शिष्या, मतलब एक शिक्षा डिसाइपल। तो राम वो जब उसका शादी हुआ अतुलाई का, वो ससुराल गई, तो ससुराल में उससे बर्तन घिसवाना, ये काम करवाना और ये सब 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 चल रहा था। और उसे बहुत मतलब फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और सासू माँ से लड़ाई रेगुलर होते रहता था। तो सासू माँ जो लड़ाई करती थी तो बोलती थी क्या फ़ायदा तुम्हारा, जो क्या कहते हैं उसको, तो तुम्हारे गुरुजी इतने बड़े हैं, रामानुजाचार्य इतना फेमस है, वो छोड़ के तुम जो है एक नौकर ले आओ, तुमसे काम नहीं होता। तो अतुलाई परेशान होके महापूर्ण को बोली, तो महापूर्ण बोले जाओ रामानुज को पूछो, उसके शिष्य है, मेरे से तो सिर्फ ज्ञान लेके, मैं तो उसका शिक्षा गुरु था, वो मेरे से ज्ञान लेके गया। तो बोले ठीक है। वो वहाँ गए और उधर अतुलाई ने रिक्वेस्ट किया महापूर्ण को कि कृपया करके आपके यहाँ कोई खाली ऐसा कोई शिष्य हो जो खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो मेरे यहाँ थोड़ा भेज दीजिए, जब तक मेरा डिलीवरी हो जाए, बच्चा एक साल का हो जाए तब तक। फिर तो बोले हाँ ये यहाँ बैठा ना दाशरथी। दाशरथी जैसे बड़े विद्वान को उन्होंने बना दिया एक छोटा सा सेवक। बोले जाओ। दाशरथी ने एक बार भी चूचा नहीं किया, उठे और आपको मालूम है नौकर लोगों सर पे वो बांध लेते हैं या कमर में बांध लेते हैं या शॉल ले लेते हैं, तो पहन के वो चले गए अतुलाई के साथ। अतुलाई का झोला पकड़ के उसके गांव तक जा रहे हैं। सोचिए ये बहुत बड़ा विद्वान है, तभी फेसबुक व्हाट्सएप था नहीं, तो इनका फ़ोटो और आईडी क्लियर नहीं था कि ये कौन है। ठीक है अलग कनेक्शन लाओ, मग बस एक मिनट दीजिएगा, कोई स्पेशल पावर कनेक्शन आ गया है हमारे पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
तो चलिए अब देखते हैं, और एक टावर लगा रहे हैं, तो चलते रहेगा। बेचारे वहाँ के व्यूअर्स यहाँ आ गए, यहाँ कम रहते वहाँ ज़्यादा रहते, अब यहाँ ज़्यादा हो गए वहाँ कम, ये इसको कर्मा बोलते हैं। गरीब अमीर हो जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। मेरे को लगता है YouTube में ये जो सुनेंगे उनको तो कुछ समझेगा नहीं कि चल क्या रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा किया, हाँ ये भी है, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन ये सब शेयरिंग वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए। तो दाशरथी जो थे वो वहाँ पे जाके सेवा कर रहे थे, वो उस अतुलाई का वो कपड़ा धो के देना, सोचिए वो इतना बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, उधर महिलाओं के भी कपड़े धो रहा है वो, कहाँ तो कपड़े लेके जाता था जिस कुएं के पास माता जी लोग कपड़े धोते थे, वहाँ दाशरथी कपड़े धो रहा है, बाजार जाके सब्जी ला रहा है, काट के खाना बना के पूरे परिवार को खिला रहा है, सभी लोगों को मतलब जो जो सेवाएं घर में साफ सफाई कर देना ये सब कर रहा है। अब मुझे बताइए इतना बड़ा विद्वान और ये सब कर रहा है, और अतुलाई को पता ही नहीं कि स्कॉलर है, और इसने एक वर्ड से भी बताया नहीं, अपने पांडित्य का प्रदर्शन ही नहीं किया, और अपनी साधना को सुबह बहुत जल्दी उठ के कर लेता था ताकि किसी को पता ना चले कि मैं बहुत बड़ा साधक भी हूं। इतना सब कर दिया, और एक दिन देखिए कुछ मैंने आपको उस दिन ही बताया ना, कॉज विल अल्टीमेटली टेक ओवर द इफेक्ट, आप कितना भी छुपाइए एक दिन वो ऊपर आएगा ही आएगा। उन्होंने क्या किया, अतुलाई उनको लेके गई और सारा सामान जो है वो उनको दे दी, सब्जी वब्जी खरीद के लाई, तो दो झोला सब्जी था, आई अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं जब, तो उधर एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, एक तभी शंकराचार्य के शिष्यों का बड़ा प्रभुत्व था, तो अद्वैतवाद के दर्शन में बताते थे और कभी कभी भगवान के रूप की अवहेलना भी करते थे। तो ये श्री संप्रदाय विशिष्ट द्वैत का प्रचार करने वाले जो संप्रदाय थे, तो उन्होंने ये चीज़ का बहुत खंडन किया था सूत्रों के माध्यम से भी। तो अब ये तो विद्वान थे, तो नॉर्मल थे भी नहीं, तो विद्वान थे, तो ये गए और अतुलाई अंदर गई लेक्चर सुनने, और ये वर्कर मतलब एक नौकर कैटेगरी के थे, तो बोले वो अतुलाई को पता नहीं था, उनको लगा अनपढ़ है बस काम करता है, तो बोले ठीक है तुम बाहर बैठो, ठीक है सामान लेके मिठाई खाओ जो कुछ खाना है, तो यहीं बैठो मैं थोड़ा सुन के आती हूँ। वो कुछ नहीं बोले कि मेरे को भी समझता है, मैं भी अंदर आऊं क्या, वो मन ही मन सोचे कि कहीं वो पंडित को मैं डिफीट कर दूं तो कहीं उल्टा हो जाएगा, और यहाँ बाहर बैठे थे, तो अंदर में जो वो सन्यासी थे उन्होंने अद्वैत का दर्शन बताया, उन्होंने उपनिषद के कुछ श्लोक से बोला, उधर एक शब्द आता है कि भगवान का जो ये जो स्माइल है लिप्स है वो लाल है, बिंब की तरह लाल है, ऐसे उस शब्द का अर्थ था, और इन्होंने क्या कर दिया, वो शब्द जो है वो मरकट से भी मिलता था, मरकट यानी बंदर, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो भगवान का जो चेहरा है बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल है। शिवराम पानीग्राही, ये वीडियो ये प्रॉब्लम हो रहा टावर में, आप एक दिलीप मिश्रा आईडी है उस आईडी पे आ जाइए, उधर सब दिख रहा है, नहीं तो बाद में मैं इसी वीडियो को वहां शेयर भी कर दूंगा, आपको लेट देखेगा देख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे अभी ऑनलाइन शेयरिंग ये सब आता नहीं, समझ रहे मैं फंस जाऊंगा, तो अभी ये चलने दीजिए। तो उन्होंने ऐसे बोला कि भगवान का जो ये जो चेहरा है वो बंदर के पृष्ठभाग की तरह लाल है। अब जो है कोई भी वैष्णव को ये हजम नहीं होगा, मतलब समझ रहे हैं, वो तो दाशरथी थे विद्वान थे, मैं तो वहीं पत्थर से उसका सर फोड़ देता। ये बोले आप क्या बोल रहे हैं, अजिताभ शेट्टी जी ने पेज शेयर किया है तो उधर से आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, तो ये आप क्या कह रहे हैं शंकर, वो बोले आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं उपनिषद में ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं जिसका आप ऐसा विवरण कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो साधु बैठा था ये गुस्सा हो गए, बोले सब्जी काटने वाले बर्तन मांजने वाले अब हमको सिखाएंगे, सन्यासी को सिखाएंगे। अब वो नहीं जानते थे कि ये श्रीपाद रामानुज का राइट हैंड था, तो ये बोला, फिर इसको समझ में आ गया, अरे मैं फालतू में बोल दिया, अब जो है मतलब फालतू में इसको डिफीट कर दूंगा तो मेरा अस्तित्व जो है वो मेरा सरेंडर हट जाएगा, तो पीछे छुप गए वापस, बैठ गए नीचे, बोले देखा बैठ गया, नहीं नहीं एक काम करो तुम, अभी तुम उठ ही गए हो ना, तो अब तुम इस श्लोक का अर्थ बताओ, अब हम सुनेंगे। तो लोग बोले हाँ बोलो बोलो,
तो फिर एक खड़े हो गए, क्योंकि अस्मिता का बात था, ईश्वर का बात था, यहाँ अतुलाई और तुम्हारा बात है ही नहीं, यहाँ सत्य का बात था। उन्होंने उन श्लोकों को गाते हुए, उस श्लोकों के शब्दों को तोड़ते हुए, कैसे वो भगवान का स्मित हास्य और अधरम मधुरम की तरह का वो मधुर है, ऐसे बताया। तो ये सुनने के बाद सभी लोग ऐसा देखने लगे, और उसमें कुछ विद्वान लोग भी थे, हाँ, जैसे मेरे इस लाइव सेशन में बहुत सारे विद्वान होते हैं वो विद्वान थे, उन्होंने बोला कि अरे आपने तो, आप हैं कौन तू, ये जो सन्यासी भी तो खड़े हो गए, बोले अरे तुमको तो सब आता है, तो एकदम मुंडी नीचे कर लिए। बोले किसी ने बोला, अरे मैंने सुना है इतना पांडित्य तो केवल रामानुज के शिष्य दाशरथी में है, यही तो दाशरथी नहीं है, इसका इतिहास निकालो। तो पता चला अतुलाई बोले तो मेरा नौकर है, कहाँ से लाई हो? बोले मैंने रामानुज से मांगा था। तो बोले हे विद्वान अपना परिचय दो। तो बोला मेरा नाम दाशरथी है और मैं उनका शिष्य हूँ। ये बोलने के बाद उनका चरण धोया गया, ये किया गया। अतुलाई बोले अरे मैंने किससे सेवा ले लिया महिलाओं के कपड़े धुलवाए, घर का गोबर से रूम निपतवाया, किचन में काम करवाया, इनसे तो मैंने ये काम करवा दिया जो मतलब आइए एक बार भी चू नहीं टू नहीं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इन्होंने एक बार भी रोना धोना या नखरा नहीं किया। तो लोग बोले अरे अतुलाई तो किसको नौकर बना रही? तो इन्होंने बोला देखो मेरी सेवा खंडित मन करना, ये गुरु ने दिया है, मैं यहीं तुम्हारे यहाँ सेवक रहूँगा, ये तो इन्होंने बोल दिया तो मैंने मेरा ज्ञान दे दिया। बोले नहीं नहीं नहीं। फिर वो रामानुज के पास लेके गए, बोले किसको ले आए? तो बोले मेरा सेवा खत्म हो गया, अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, अब मैं जो है अपना सेवा कर सकती हूँ, आप इन मेरे माफ़ करिएगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, तो सेवक है ही। तो सब होने के बाद दाशरथी को पूछा, दाशरथी सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब समझ में आ गया? तो दाशरथी बोले समझ में आ गया गुरुदेव आलिंगन दिए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब होता है आप अपने सारे धर्मों का त्याग कर दीजिए। कौन सा धर्म? हिंदू मुस्लिम नहीं, मैंने आपको धर्म अध्याय पूरा बताया है, आप दास गरदास चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब में वो लेक्चर आएगा। जिन्होंने आज को खंडित खंडित लेक्चर मिला है वो लोग भी शाम तक यूट्यूब में रवि घोड़ा जी डाल देते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जब आप सारे धर्म यानी जो मानसिक शारीरिक सारे धर्मों का आप त्याग कर देते हैं उसको कहते हैं शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य। और यहाँ पे जो हम परित्यज्य कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप अहंकार का परित्यज्य कर रहे हैं उसको कहते हैं आचार्य उपासनम, यानी आप आचार्य के शरणागति में जाते हैं। आप अपने अहम भाव को छोड़ के जब जाएंगे तब आपको गुरु ने बताए हुए हर वाक्य को हृदय तक जाएगा, और नहीं तो केवल बुद्धि से समझेंगे मन में समझेंगे, उसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग। सिलेक्टिव हियरिंग का मतलब है कि आपको जो अच्छा लगा वो आपने सुन लिया, जो अच्छा नहीं लगा आपने छोड़ दिया। तो ये फिर क्या होगा, फिर आपका एप्लीकेशन गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कभी कभी प्रभुपाद जी के कुछ वाक्यों को लोग सीरियसली ले लेते हैं और कुछ वाक्यों को छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रूथ, ठीक है। तो इसको कहते हैं आचार्य उपासनम। और आचार्य उपासनम के बाद एक वर्ड आता है आचार्य उपासनम शौचम। शौचम यानी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता। देखिए शुद्धता अलग होता है, साफ सफाई रखना और कचरा नहीं रखना ताकि मॉस्किटोज या ये ना आना, ये अच्छा है, लेकिन शौचम का मतलब है पवित्रता। हाँ, हम लोग आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, को भी करने से पहले अपने चित्त को भी शुद्ध करते हैं, गायत्री गाते हैं हम। क्यों? तो हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो। कोई भी कार्य करते हैं तो शुद्धि लाते हैं। अगर टॉयलेट जाते हैं तो हम लोग हाथ और पांव धो लेते हैं, मुंह गार्गल कर लेते हैं। अगर टॉयलेट में भी क्लियरिंग के लिए जा रहे हैं यानी नंबर टू के लिए जा रहे हैं तो हम भक्तों में आदत है कि हम लोग नहा लेते हैं उसके बाद। कई बार तो हमारे भक्तों को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वहाँ नहाने के लिए फैसिलिटी होता नहीं। तो अगर आप ये तीन बार नहाएंगे, शारीरिक शौच भी रखेंगे और मानसिक शुद्धि भी रखेंगे, हाँ, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्ववा स्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब्बा यभ्यंतरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अगर आप मानसिक शुद्धि रखते हैं और शारीरिक शुद्धि रखते हैं तो क्या होगा,
आपकी चेतना और विकसित होते जाएगी, और अगर आप जितना उसको नहीं रखेंगे उतना तमोगुणी होंगे। जैसे आज सूर्य ग्रहण है, तो ग्रहण के समय कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे सूर्य को उस रूप में नहीं देखना चाहिए। लोग तो देख लेते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए, नहीं देखना चाहिए। और दूसरा है कि उस समय अन्न जो पकाया है वो अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे अशुद्धि आपके अंदर आ सकती है। तो ये बाह्य अशुद्धि हुआ। आंतरिक अशुद्धि भी आती है, क्योंकि मन खिन्न हो जाएगा, तो उस समय आप कीर्तन कर सकते हैं, हाँ कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। वरना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में वो देखते रहिएगा तो वो क्या देख के करिएगा, वो काला होता है फिर वो हट जाता है, रिंग आता है, और रिंग तो आपको मिलना है नहीं देख लीजिए, तो वैसा है। तो इसको बोलते हैं शौचम। आंतरिक तथा बाह्य दो प्रकार के हैं, और ये मैंने आपको इसमें समझा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जो श्लोक है, आचार्य उपासनम शौचम, स्थैर्यम रह गया, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, तब ये श्लोक ख़त्म होगा, लेकिन हमारा जो टाइम है ये श्लोक में स्थैर्यम ले सकते हैं। तो स्थैर्यम का मतलब है दृढ़ता, दृढ़ता यानी दृढ़ निश्चय, स्थैर्य या नॉट ओनली स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगा, जब हम दृढ़ निश्चय संकल्प लेंगे, वचन लेंगे और वचनबद्ध होंगे। हमारा क्या है, हम लोग न्यू ईयर आता है 1 जनवरी, वचन लेते हैं कि बस आज से बंद, वो बंद, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ कई लोग हमारे दोस्त होते हैं, बोले आज से दारू बंद, और 5 जनवरी 6 जनवरी तक स्टैमिना रहता है, 7 जनवरी को वापस बॉटल लेके आ जाते हैं। सेम हमारे ड्यूटीज़ का भी है, ड्यूटी क्या करते हैं, वो वचन लेते हैं कि बस आज के बाद जो है मैं 16 माला सुबह उठ के करूँगा, जो दिन में दिन भर करना पड़ता है मैं सुबह उठ के करूँगा। और फिर क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 जनवरी 2 जनवरी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर 30 जनवरी तक पता चला 16 माला रात को हो रहा है। तो हमको दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ेगा, उसका पूरा विचार करना पड़ेगा, तब जाके हमको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं मेरा जीवन केवल कृष्ण के लिए अर्पण करूँगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे आचार्य आके गए, उसमें श्रील प्रभुपाद जी आए हैं और कृष्ण की भक्ति मिली है। पूरे ब्रह्मांड में भारतवर्ष में जन्म लेना, उसमें भारत भूमि में जन्म लेना, उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी जैसे आंदोलन के, उनके आंदोलन में जान जुड़ना, ये हमारा सौभाग्य नहीं तो क्या है। उसको अगर आप ऐसे ही गंवा दीजिएगा तो क्या फ़ायदा है ना। तो सोना धोना जितना जरूरी उतना करिए, जितना खाना जरूरी उतना खाइए, जितना सोना जरूरी उतना सोइए, लेकिन उसके अलावा केवल भगवान के प्रचार प्रसार को बढ़ाइए, लोगों को भगवान से जोड़िए, और उस चीज़ में आप रममान होइए। तो वो स्थैर्य हुआ, वो डिटर्मिनेशन हुआ, वो स्थैर्य हुआ। आत्मसंयम आत्मविनिग्रह, कि व्यक्ति को आत्मसंयम है, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन में ये जो वर्ड है यहाँ पे आत्मविनिग्रह, तो आपके जीवन में जो जो आध्यात्मिक जीवन में अड़चन कठिनाइयाँ हैं, कभी कभी माता पिता बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं नॉनवेज खाओ, घर की इज्जत का सवाल है, तो घर का इज्जत क्या, तेल लगाने चुपचाप अपने नियमों का पालन करो, बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो आपके आध्यात्मिक जीवन का जरूरी है, ठीक है। अवधेश कुमार वो कह रहे हैं विफल है जन्म गोवाइनू हमारे ड्यूटीज बहुत ही स्मार्ट हैं। तो ये हमको हमारा जो लाइफ मिला है इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है, और जो भी इसमें बाधाएं आती है, इसमें भी मैं थोड़ा कल चर्चा करूँगा, लेकिन आज श्लोक है करके मैंने उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज क्या कहते हैं उसको, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा मूढ़ी खाया हम लोगों ने, तो वो एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत हाई नहीं है, तो मैं उतना तो एनालिसिस करूँगा नहीं, और टाइम भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग अभी कीर्तन करेंगे। लेकिन इन क्रक्स, ये जो सारे क्या कहते हैं उसको, हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस है, इसको प्लीज़, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये वस्तुतः वो नॉलेज है जिससे हम चीज़ों को एज इट इज़ देख सकते हैं, हमारे 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, हमारे सारे इच्छाओं को हम भगवान में डाइवर्ट कर सकते हैं, तब एक रूप हो जाएंगे, अनुरूप हो जाएंगे, भगवान के पद चिन्हों पे चलने का हमें क्या बोलते हैं उसको, श्रेय मिलेगा। और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म मिलेगा फिर मरण मिलेगा, और कौन से योनि में मिलेगा कोई नहीं जानता है, कुत्ते का मिलेगा बिल्ली का मिलेगा,
तो इसलिए अपने जीवन में कोई भी कठिनाई आए या कोई ऐसा विषय आए जहाँ पे ऐसा लगे कि ये मुझे डाइवर्ट कर रहा है, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सब कीर्तन करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो तो, और चंद्र ग्रहण में भी, जब आपको याद होगा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था तो सभी लोग नदी में जाके नहा के हरी 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 कीर्तन कर रहे थे, है ना। तो हमको अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड होना है। और ये जो अजिताभ शेट्टी जी बहुत अच्छा श्लोक कह रहे हैं, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, इसके ऊपर मैं कल बोलूँगा, इसलिए मैंने इसको कोट नहीं किया, लेकिन आपने कोट कर दिया तो ठीक है, इसको कल हम लोग थोड़ा और विवरण करेंगे। क्योंकि किसी भी भक्त को अगर आपको ये पूरा जन्म भक्ति करके भगवान का पूरा दर्शन करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप सब यहाँ लाइव बैठे हैं, इसका अच्छा लग रहा है। और टावर का क्या इशू है मैं नहीं जानता, रोज़ ऐसा होता नहीं, कभी कभी हो जाता है। और हरे कृष्णा, तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम हरे राम कृष्णा हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपको यहाँ जो इस साइड टेम्पल का मैंने नकाशा बनाया दिख रहा होगा आपको मेरे बोर्ड पे है ना, ये जो दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, तो ये 45 मतलब 65 बाई 30 का हम लोग टेम्पल बना रहे हैं क्योंकि हमारे लॉर्ड अभी झोपड़ी में, तो ये टेम्पल भी ज़्यादा वो नहीं होगा, बट इसको हम लोग बना रहे हैं और ताकि भगवान को वहाँ शिफ्ट करें और थोड़ा अच्छा टेम्पल हॉल बने भगवान के लिए और थोड़ा किचन में भी डीटी किचन वगैरह बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिखा दिया कैमरा वहाँ था करके ना हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे बोल। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सब मिलेंगे है ना, कल कुछ श्लोक को हम आगे भी बढ़ाएंगे और जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको सारा ग्रहण कहाँ से आता है, कितने एंगल में आता है, सारा कैलकुलेशन करके डायग्राम बना के मैं पढ़ाऊँगा। 2001 में मैंने आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक पढ़ा था, जो इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए बनाता हूँ ताकि आपको जब पढ़ाऊँ तो एक अच्छे एंगल से पढ़ाऊँ है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।